अध्याय 16। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। और मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा।
उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और ये भी प्रतीत की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। ये सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो? देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।